डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दुलार में। बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 4.2 को कंप्लीट करेंगे। एनसीईआरटी का मैथ्स क्लास 6 का है, ये क्लास 6, और इसको आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है, क्लासीफाई द फॉलोइंग कर्व्स एज ओपन क्लोज्ड, इसमें से कौन सा ओपन है और कौन क्लोज है, ये सब जानने के लिए हम लोग इसके कुछ पॉइंट्स को जानते हैं, जिससे हमें इसमें ज़्यादा क्वेश्चन तो है नहीं। उस पॉइंट्स को अगर हम जान लेते हैं तो क्या होगा कि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं ये आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो आइए हम लोग इससे संबंधित पॉइंट्स क्या है उसको समझ लेते हैं। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे बना के रखा हुआ है, एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 6 का है 4.2 एक्सरसाइज, और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें, इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए जिस पॉइंट्स को हम लोगों को जानना है, यहाँ पर मैंने इसको इकट्ठा कर लिया है। आप इसको ध्यान से समझ लें, क्योंकि अगर आप इसको अभी समझ लेते हैं तो आने वाले क्लास में आपको बहुत इजी हो जाएगा। इस तरह की जो भी चीज़ें मिलेंगी तो आपको किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सबसे पहले दिया हुआ है कर्व्स। कर्व्स मतलब होता है कोई भी ऐसा लाइन जो टेढ़ा हो, कोई भी लाइन हो गया टेढ़ा, या कोई आकृति हो गया, कोई पिक्चर हो गया, उसको हम टेढ़ा ले लिए, इस तरह से ये बना दिए, तो ये कर्व के द्वारा बना, ये एक फिगर बन गया। यहाँ पे कर्व के कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं, जैसे कि सिंपल कर्व्स। सिंपल कर्व्स तो यहाँ पे इस तरह का एक पिक्चर बना हुआ है, ये सिंपल कर्व्स हो गया। यहाँ पे इस तरह का एक पिक्चर बन गया, ये है सिंपल कर्व्स, जहाँ पे कोई भी लाइन टेढ़ा होता है, यहाँ पे गया टेढ़ा हो गया, ये घुमा हुआ है इस तरह से, तो ये सिंपल कर्व हो गया। और ये भी यहाँ पे जो एग्जाम्पल पिक्चर दिया हुआ है, ये भी सिंपल कर्व में आएगा। नॉट सिंपल कर्व्स, अब यहाँ पे कोई ऐसा फिगर बनाएंगे जिसमें कर्व तो होगा लेकिन सिंपल कर्व नहीं होगा। तो सिंपल कर्व क्या नहीं होता है, जब कोई भी लाइन जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है। यहाँ पे देख रहे हैं ये फिगर बना हुआ इस तरह से कि एक दूसरे लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, खुद को जब काटता है, तो ऐसे स्थिति में उसको सिंपल कर्व्स नहीं बोला जाता है। यहाँ पे देख रहे हैं ये पिक्चर, ये भी सिंपल कर्व्स नहीं है, ये इस तरह से बना हुआ है और एक दूसरे को यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इस तरह का जो कर्व्स हो गया, इस तरह का पिक्चर हो गया, तो वो सिंपल कर्व नहीं होगा। उसके बाद एक हो गया ओपन कर्व्स। ओपन कर्व्स क्या होता है, ओपन मतलब तो ऐसे भी समझ में आ रहा है, ओपन मतलब हो गया खुला, तो खुला हुआ, ये टेढ़ा लाइन तो है, कर्व तो है, लेकिन खुला हुआ है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर कोई है तो वो बाहर आ सकता है, और कोई बाहर है तो अंदर जा सकता है, उसको बोलते हैं ओपन कर्व्स। उसके बाद हो गया क्लोज्ड कर्व्स। तो क्लोज्ड क्या होता है, क्लोज का मतलब हो गया ऑलरेडी बंद, अगर कोई अंदर में है तो बाहर नहीं निकल सकता, और कोई बाहर है तो अंदर नहीं जा सकता, इस तरह का जो क्लोज, क्लोज मतलब बंद, ऐसे भी समझ में आ रहा है, बंद चारों तरफ से बंद है, तो ये हो गया, इसको क्लोज कर्व्स बोलते हैं। समझ में आ गया। यहाँ पे पॉइंट्स नंबर 2 में पोजीशन इन ए फिगर, एक कोई भी फिगर ले लेते हैं, यहाँ पे एक फिगर ले लिए हैं, ये फिगर है, या कोई दूसरा टाइप का भी फिगर ले सकते हैं, कुछ इस तरह का सर्कल भी ले सकते हैं, ये सर्कल हो गया, इस तरह से भी ले सकते हैं, एक कोई भी फिगर ले लिया। अब फिगर में क्या पार्ट्स है, इंटीरियर, इंटीरियर ये मैथमेटिक्स में वर्ड, ये वर्ड जो है मैथमेटिक्स में यूज होता है, और इसका मतलब है नॉर्मली हम लोग अदर सब्जेक्ट में इनसाइड पढ़ते हैं, इनसाइड का मतलब होता है इसके अंदर, किसी चीज़ के अंदर, इनसाइड, तो इंटीरियर हो गया, तो ये फिगर बतला रहा है फिगर के अंदर, तो फिगर के अंदर क्या है, जैसे यहाँ पॉइंट्स दे दिया गया है, एक 3 पॉइंट्स दे दिया गया है, तो ये फिगर के अंदर है, पिक्चर के अंदर, तो ये हो गया, इसको मान लेते हैं कि फिगर के अंदर क्या है, ये है, ये पॉइंट है। उसके बाद 2 नंबर में बाउंड्री, बाउंड्री इसका जो ये लाइन जो होता है जिससे ये बनता है, साइड जो होता है, तो इसको यही बाउंड्री है, मतलब ऑन उस पर, उस लाइन पर, तो ये पॉइंट दिया हुआ है बी पे, अब देख रहे हैं लाइन पे ही दिया हुआ है, मतलब ये क्या हो जाएगा, इसका एग्जांपल में हो जाएगा बी, ये हो गया। उसके बाद एक पॉइंट दिया हुआ है एक्सटीरियर, एक्सटीरियर मतलब आउटसाइड, आउटसाइड मतलब इसके बाउंड्री पे भी नहीं और इसके इंटीरियर अंदर में भी नहीं, बाहर, इससे बाहर, यहाँ सी पॉइंट दिया हुआ है, ये हो गया एक्सटीरियर, जिसको बोला जाता है आउटसाइड, आउटसाइड हम लोग ज़्यादातर सब्जेक्ट्स में पढ़ते हैं, आउटसाइड मतलब उसके बाहर, तो सी जो है इस फिगर से बाहर है, ये एक्सटीरियर कहलाएगा। ये एक्सटीरियर इंटीरियर जो है आपको मैथ में ज़्यादा ये वर्ड मिलेगा, तो आउटसाइड ये एक्सटीरियर क्या हो गया, सी हो गया, सी। उसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है रीजन, रीजन मतलब होता है पूरा एरिया, क्षेत्र जिसको बोलते हैं, रीजन होता है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इनसाइड एंड ऑन, ये दोनों पार्ट्स को जब मिलाते हैं, ऑन मतलब ये इसका साइड्स जो दिया हुआ है, ये हो गया, या इसको ले सकते हैं, इसको मिला लेते हैं, और इसका इंटीरियर पार्ट जो हो गया, पूरा इंटीरियर पार्ट, इन दोनों को जब हम मिलाते हैं तो उसको बोलते हैं रीजन। क्लियर हो गया। उसके बाद पॉइंट्स 3 नंबर, यहाँ पे पॉलीगॉन्स दिया हुआ है, तो पॉलीगॉन्स आप 5 क्लास में भी पढ़े होंगे,
लेकिन यहाँ पे भी और बेहतर ढंग से समझना जरूरी है। इसके अलावा आपको और आने वाले क्लास में इसको पढ़ने के लिए मिलेगा। पॉलीगॉन्स किसको कहते हैं, सबसे पहले ये जान लेना है। ए सिंपल क्लोज फिगर मेड अप इंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट। सिंपल क्लोज फिगर लेना है तो सिंपल मतलब आप समझ ही रहे हैं कि वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता। तो सिंपल क्लोज फिगर लेना है जो कि पूरी तरह से इंटायरली मतलब पूरी तरह से इंटायरली बना हुआ हो लाइन सेगमेंट से। इसको फिर से समझ लीजिए कि एक ऐसा सिंपल क्लोज फिगर जो पूरी तरह से लाइन सेगमेंट से ही बना हुआ है। तो किसी को भी ले लेते हैं, यहाँ पे कोई भी पिक्चर ले सकते हैं जो लाइन सेगमेंट से बना हुआ हो। तो यहाँ पे मैंने एक पिक्चर ले लिया है, यहाँ पे ये एक रेम्बस ले लिया है, कुछ भी ले सकते हैं आप, ट्रायंगल ले सकते हैं, ये लाइन सेगमेंट से बना हुआ है और क्लोज और सिंपल है, ये हो गया। आप स्क्वायर ले सकते हैं, स्क्वायर ये पॉलीगॉन्स कहलाता है, ये सारे पॉलीगॉन्स ट्रायंगल से लेके आगे बढ़ते हुए जाता है, ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल पेंटागॉन हेक्सागॉन ऑक्टागॉन इस तरह से जितने भी इस तरह का आता है तो सारे को मिला के पॉलीगॉन्स बोला जाता है। एक ही शब्द में अगर इन लोगों का बोले हम तो क्या बोलेंगे, पॉलीगॉन्स बोलेंगे। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दे दिए हैं। अब इसमें इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आता है, यहाँ पे देखिए साइड साइड आता है, ये साइड हो गया, ये जो लाइन सेगमेंट जो होता है तो साइड हो गया, साइड में क्या हो गया साइड ए डी ए डी ए डी एक साइड है, डी सी डी सी भी एक साइड है, और साइड के बाद इसमें एडजेसेंट साइड आता है, इसको भी पढ़ने के लिए आपको मिलेगा एडजेसेंट। तो एडजेसेंट क्या होता है, यहाँ पे जो साइड लिया गया है एग्जांपल, तो ये एडजेसेंट साइड है, तो ये एक दूसरे से इस तरह से जुड़े हुए रहते हैं, यहाँ से यहाँ जुड़ा हुआ है और यहाँ से यहाँ जुड़ा हुआ है, तो इस तरह का जो साइड जुड़ा हुआ रहता है उसी को एडजेसेंट साइड बोला जाता है। ये क्लियर हो गया। उसके बाद वर्टेक्स, वर्टेक्स को सिंपल समझना आप लोगों को। वर्टेक्स क्या होता है, आप बाहर से मान लीजिए कि आप बाहर खड़े हैं, बाहर खड़े हैं और आपको कोना दिखाई देगा, यहाँ पे इस तरह का कोना दिखाई दे रहा है, तो आप बाहर से देखेंगे तो उसका नाम हो गया वर्टेक्स, और फिर आप अंदर चले जाते हैं, अंदर से फिर उसी कोना को देखते हैं, और फिर अंदर से उसी कोना को देखते हैं तो उसका नाम हो गया एंगल, इसलिए वर्टेक्स यहाँ हमने लिखा है और एंगल्स भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अंदर से गए तो वही कोना आपका एंगल बन गया, उसका नाम चेंज हो गया, एंगल हो गया, और बाहर से जब आप देख रहे हैं तो वही कोना जो है वर्टेक्स कहलाया। जैसे कि आपको एक वर्ड देते हैं, वर्ड जो है आप देखिए ये रूफ हो गया, और एक दूसरा वर्ड लेते हैं सीलिंग, ये दोनों ही वर्ड एक दूसरे को रिलेट करते हैं। किस प्रकार से, इस तरह से आप रूफ मतलब जानते हैं, रूफ मतलब छत होता है, तो छत कैसा होता है, ये सपोज ये छत है, तो ये छत है, तो इसका ऊपर से जब हम जाते हैं छत पे तो ये रूफ कहलाता है, और वही छत जब हम रूम में रहते हैं नीचे से जाते हैं तो ये हो गया, ये तो ये सीलिंग कह रहा है, ये नीचे से सीलिंग हो गया और ऊपर से क्या हो गया, ऊपर से यहाँ पे रूफ हो गया, इस तरह से ये एक ही चीज़ है, इसी तरह से इसका नाम चेंज हो जाता है। तो इसी तरह से यहाँ पे भी है, ये कोना हो गया जब हम बाहर से हैं तो वर्टेक्स है, और अंदर से गए तो एंगल हो गया, इस तरह से ये वर्क करता है। तो एंगल को हम इस तरह से लिखते हैं, एंगल ए एंगल बी सी डी इस तरह से, या फिर और एक तरीका है लिखने का, इस तरह से दिखाना है, जैसे एंगल ए लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, बी ए डी, ये ए दिखाना है तो इसको बीच में रखेंगे, इस तरह से लिख सकते हैं एंगल बी ए डी, या इसी को कर सकते हैं एंगल डी ए बी, मतलब हर स्थिति में ए बीच में रहेगा इस तरह से, या ऐसे डायरेक्ट लिख के दिखा सकते हैं। ये हो गया, उसके बाद बच गया एक ये पॉइंट जो है यहाँ पे, इसको यहाँ पे एंगल टू एंगल लाइन खींचते हैं तो क्या होता है, ये लाइन जो बनता है इसको बोलते हैं डायगोनल्स, तो डायगोनल्स जिसको हिंदी में कर्ण बोला जाता है, तो बी डी इसका एग्जांपल में बी डी ये डायगोनल है, उसके बाद ये जो है ए सी ये भी डायगोनल्स है, यहाँ पे पता चल गया। अब इतनी सारी चीज़ें जो यहाँ पे दिया हुआ है तो यहाँ जो 4.2 में बनाना है हम लोगों को, सॉल्व करना है क्वेश्चन, तो उसी के अंदर में से सारा कुछ दिया हुआ है, तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या दिया हुआ है। क्लासीफाई मतलब यहाँ पे बतलाना, अलग करना। क्लासीफाई द फॉलोइंग कर्व्स एज ओपन क्लोज्ड, या इसमें से बतलाना है कि ये जो फिगर जो दिया हुआ है इसमें से कौन सा फिगर ओपन है मतलब खुला हुआ है, और कौन सा क्लोज्ड है मतलब बंद है। तो यहाँ पे हम लोग तो ऐसे भी देख रहे हैं, ये यहाँ पे ना कोई अंदर जाने का चीज़ है ना बाहर कोई, मतलब अंदर जा ही नहीं सकते तो बाहर आने की बात ही नहीं है, तो इसीलिए ये ओपन है, ये इसको ओपन यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये ओपन हो गया। उसके बाद यहाँ पे तो टेढ़ा सा बना हुआ है लेकिन ये क्लोज है, इसमें अंदर का चीज़ बाहर नहीं जा सकता और बाहर का चीज़ अंदर नहीं जा सकता, इसका मतलब क्लोज्ड है ये, इसको क्लोज लिख देते हैं, क्लोज कर्व हो गया, और ये खुला हुआ है, देख रहे हैं यहाँ पे खुला हुआ है, अंदर जा सकते हैं फिर बाहर जा सकते हैं, इसका मतलब हो गया ओपन है, ये ओपन कर्व हो गया। और उसके बाद ये तो पूरा क्लोज है और यहाँ भी क्लोज है, तो यहाँ पे इसको क्लोज लिख देते हैं, क्लोज कर्व हो गया, और ये भी क्लोज हो गया, क्लोज्ड कर भी हो गया। इस तरह से आसानी से हम लोग जान सकते हैं, इसको आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ रफ डायग्राम्स टू
इलस्ट्रेट द फॉलोइंग, यहाँ पे डायग्राम कुछ बनाना है, डायग्राम्स मतलब एक से ज़्यादा बनाना है, इस डायग्राम को रफ डायग्राम को दिखाना है, ओपन कर्व बनाना है कुछ और कुछ क्लोज्ड कर्व बनाना है। तो ऑलरेडी तो यहाँ दिया हुआ है, इसको भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी मैं आप लोगों को यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ। एक पेपर लेते हैं और यहाँ पे नंबर का टू, क्वेश्चन नंबर टू, और यहाँ ए नंबर ले लेते हैं इसका। इसमें क्या दिया हुआ है, ओपन, ओपन कर्व यहाँ पे बनाना है। तो ओपन कर्व कुछ भी बना सकते हैं, इस तरह से ले लेते हैं। जेड दिया हुआ है तो ये जेड दे देते हैं, ओपन कर्व हो गया। उसके बाद एम लिख सकते हैं इस तरह से, ये कर्व, कर्व मतलब इसका लाइन मुड़ा हुआ है, टेढ़ा है, ये कर्व हो गया और ओपन ये खुला हुआ है। उसके बाद और भी कुछ बना सकते हैं, कुछ टेढ़ा मेढ़ा लाइन बना देते हैं इस तरह से, और ये इसको नहीं जोड़ते हैं, इसका एंड पॉइंट हो गया और स्टार्टिंग पॉइंट जो है दोनों को ऐड नहीं करना है, दोनों को जोड़ना नहीं आपस में। ये ओपन कर्व हो गया, ये ओपन कर्व टेढ़ा लाइन तो है ही, ओपन कर्व हो गया। इसके अलावा और भी कुछ दे सकते हैं, सपोज ट्रायंगल बनाते हैं लेकिन उसमें से इसको जोड़ते नहीं हैं, ये भी हो गया, ओपन कर्व हो गया। इस तरह से हम लोग कुछ भी इस तरह का फिगर बना के इसको आंसर कर सकते हैं। उसके बाद बी नंबर में दिया हुआ है क्लोज्ड कर्व, क्लोज्ड कर्व, तो इसमें कुछ भी क्लोज दे सकते हैं। इस तरह का पिक्चर अगर दे देते हैं, इस टेढ़ा मेढ़ा पिक्चर दे देते हैं, इसको मिला देते हैं, बस ये हो गया, ये क्लोज्ड कर्व क्लोज है, ये कुछ भी इस तरह से बना देते हैं। इस तरह से ये मून शेप बना दिए, क्लोज्ड कर्व ये हो गया। उसके बाद कुछ भी पॉलीगन भी बना सकते हैं, ये पॉलीगन हो गया, ट्रायंगल बना दिए पॉलीगन हो गया, स्क्वायर बना दिए, क्लोज्ड कर्व चारों तरफ से बंद है, ये बंद, क्लोज कर्व हो गया। इस तरह से ये सारे इसके अब आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर थ्री, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ड्रॉ एनी पॉलीगॉन एंड सेट इट्स इंटीरियर, कोई भी पॉलीगॉन बनाना है, ड्रॉ करना है और उसके इंटीरियर को मतलब अंदरूनी भाग को, इनसाइड पार्ट को सेड मतलब कुछ निशान बना देना है। तो यहाँ थ्री नंबर में कुछ भी ले लेते हैं, एक ट्रायंगल ले लेते हैं, ये हो गया पॉलीगॉन, ये हो गया ट्रायंगल हो गया। अब इसको क्या करते हैं, इसके इंटीरियर इंटीरियर सेट करना है, तो इसको कोई भी दे देते हैं, ये हो गया, इस तरह से सेट कर देते हैं, कोई भी डिज़ाइन लगा देते हैं, इस तरह से लगा दिए, ये हो गया। उसके बाद कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं, ये स्क्वायर ले लेते हैं, ये भी पॉलीगॉन में आएगा, इसके इंटीरियर पार्ट को सेट कर देते हैं, कोई भी अलग डिज़ाइन लगा देते हैं इस तरह का, ये बिंदु डिज़ाइन हो गया। इस तरह से दो एग्जांपल काफ़ी है। उसके बाद फोर नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है, कंसीडर द गिवन फिगर एंड आंसर द क्वेश्चंस, यहाँ जो पिक्चर दिया हुआ है, इसमें एक पिक्चर दिया हुआ है, स्टार टाइप का पिक्चर दिया हुआ है, तो इस पिक्चर को देखकर और विचार करने के लिए कह रहा है कि ए नंबर में इट इज़ ए कर्व, क्या यह कर्व है, तो कर्व में क्या होता है, लाइनिंग तो होता है, वो लाइन टेढ़ा होता है, तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे टेढ़ा हुआ, फिर यहाँ पे टेढ़ा हुआ, फिर टेढ़ा हुआ, इस तरह से मतलब ये कर्व है। उसके बाद बी नंबर में क्या बोल रहा है, इज़ इट क्लोज, क्या यह क्लोज है, बंद है, तो क्लोज तो है ही, कहीं से भी जाने का रास्ता नहीं है और कहीं से भी आने का रास्ता नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे फोर नंबर ले लेते हैं और इसमें ए नंबर, ए नंबर इसमें हम क्या लिख सकते हैं, इज इट ए कर्व, तो सबसे पहले लिखेंगे एस, ये तो कर्व है ही, इट इज़ ए कर्व, ये हो गया। और बी नंबर में क्या दिया हुआ है, इज इट क्लोज्ड, क्या यह क्लोज है, तो यहाँ भी यस हो जाएगा, यस इट इज़ क्लोज्ड, ये हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर फाइव, इलस्ट्रेट इफ पॉसिबल इच वन ऑफ द फॉलोइंग विथ ए रफ डायग्राम, तो यहाँ पे इलस्ट्रेट मतलब यहाँ पे एग्जांपल देकर क्लियर करने के लिए कह रहा है। ए नंबर में क्या है, ए क्लोज्ड कर्व दैट इज नॉट ए पॉलीगॉन, एक ऐसा कर्व बनाना है, क्लोज कर्व बनाना है लेकिन पॉलीगॉन नहीं होना चाहिए, तो क्लोज कर्व कुछ भी बना देते हैं जो पॉलीगॉन नहीं होगा। यहाँ पे ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव का ए हो गया, ए क्लोज्ड कर्व दैट इज नॉट ए पॉलीगॉन, तो कोई भी शेप ले लेते हैं जो क्लोज्ड होगा, कर्व होगा लेकिन पॉलीगॉन नहीं होगा, तो इस तरह से आप एक सर्कल भी ले सकते हैं, ये है क्लोज हो गया, क्लोज है और ये एक पॉलीगॉन नहीं है, क्योंकि पॉलीगॉन में बताया गया है कि उसमें सिर्फ लाइन सेगमेंट ही यूज़ होते हैं, तो यहाँ पे लाइन सेगमेंट तो है नहीं और ये क्लोज है, कर्व है, इसका लाइन जो है टेढ़ा है। इसमें और भी शेप ले सकते हैं, सपोज मून शेप ले लेते हैं, यहाँ पे इस तरह से मून शेप ले लिए, तो ये कर्व है, क्लोज है लेकिन ये पॉलीगॉन नहीं। कुछ और एग्जांपल ले सकते हैं, यहाँ पे इस तरह से
ये इस तरह से ले लेते हैं, ये कर्व है, इसमें लाइन सेगमेंट, सिर्फ एक लाइन सेगमेंट, पॉलीगॉन बनाने के लिए कम से कम 3 लाइन सेगमेंट चाहिए तभी वो पॉलीगॉन बनेगा। तो यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट है और इस तरह से गोलाकार बनाया हुआ है, इसका मतलब है कि ये पॉलीगॉन नहीं है, क्लोज कर्व है लेकिन पॉलीगॉन नहीं है। उसके बाद बी नंबर में लेते हैं, बी तो यहाँ पे एन ओपन कर्व मेड अप इंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट, एक ऐसा ओपन कर्व बनाना है जो लाइन सेगमेंट से बना हुआ, सिर्फ लाइन सेगमेंट से, इस तरह का जो है गोलाकार नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम कुछ ले सकते हैं, यहाँ पे क्या, जैसे कि यहाँ 1 नंबर में दिया हुआ था Z, ये लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ, ये लाइन है और ये भी लाइन है, लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, लेकिन ये ओपन है, कर्व तो है ओपन है। और इसमें दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, ये हो गया लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट से सब बना हुआ है लेकिन ओपन है, कर्व है। और यहाँ पे और भी एग्जांपल ले सकते हैं, ये इस तरह से लिए और ये इस तरह से, ये कर्व तो है और लाइन सेगमेंट भी है इसमें और ये ओपन है, इस तरह से एग्जांपल ले सकते हैं। या फिर कोई पॉलीगॉन जो बनाते हैं उसको भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें ओपन रखना है उसको, इस तरह से लिए और ये ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल शेप है लेकिन इसको यहाँ पे ओपन छोड़ दिए, तो ये भी हो सकता है, ये भी एग्जांपल में आ सकता है। उसके बाद सी नंबर में, सी नंबर यहाँ पे देख रहे हैं, ए पॉलीगॉन विथ टू साइड्स, दो साइड लेते हैं, एक ये हो गया, एक साइड ले लिए और एक साइड ये ले लिए, दो साइड, अगर दो साइड लेते हैं तो ये पॉलीगॉन नहीं बना, क्योंकि पॉलीगॉन बनने के लिए क्लोज्ड होना चाहिए और लाइन सेगमेंट से बना हुआ होना चाहिए, तो लाइन सेगमेंट से तो बना हुआ है लेकिन ये क्लोज नहीं है, क्योंकि दो ही साइड बोल रहा है कि अब टू साइड को यूज करते हुए बनाना है, तो दो साइड यूज कर लिए लेकिन ये पॉलीगॉन नहीं बन रहा है, क्लोज नहीं हो रहा है, इसीलिए क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा, इट इज़ नॉट पॉसिबल, मतलब ऐसा संभव नहीं है, दो साइड यूज करके कोई हम पॉलीगॉन नहीं बना सकते हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे एक्सरसाइज 4.2 पूरी तरह कंप्लीट हो जाता है। अगर आप लोगों को किसी तरह का डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हमारे वीडियो से जरूर मदद मिल रहा होगा, अगर आप लोगों को हमारे वीडियो से थोड़ा भी मदद मिलता है तो आप हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए और इसी तरह का और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्व करने के लिए नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे, तो आइए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं।